नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सबसे पहले बात करेंगे सतना से आ रही बड़ी खबर की। मैहर में बिजली कर्मचारियों को बंधक बना दिया गया है, ग्रामीणों ने बंधक बनाया है। बिजली सुधारने गए थे लाइनमैन, ट्रांसफार्मर खराब होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और इसीलिए बंधक बना दिया है। पुलिस के आने के बाद कर्मचारी को छोड़ा गया। ग्रामीणों ने बिजली सुधारने गए लाइनमैन को बंधक बना लिया, क्योंकि वो किसी काम से बिजली की तारों को ठीक कर रहे थे और इसी बीच ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसके बाद बिजली कट गई और फिर गुस्से में ग्रामीण नजर आ रहे थे। ग्रामीणों ने बंधक बना लिया लाइनमैन को ही। कुछ काम के नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जा रहे हैं कि बिल्कुल तत्काल ट्रांसफार्मर आवे, किसान को परेशानी ना हो। उस सीजन में साहब का दिखावे ना, उठे ले जा। ये पानी का वजह है, अरे भाई चाचा उठे ले जाओ। जा रही है साहब के साथ, अब ये खड़े हैं, ये सब कोई मतलब के साहब है, कुछ काम के नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जा रहे हैं कि बिल्कुल तत्काल ट्रांसफार्मर आवे, किसान को परेशानी ना हो। उस सीजन में एमपी के वाहन चालकों के लिए सावधान करने वाली खबर है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमपी की पुलिस सख्त हो चुकी है। अब वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो गया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई भी होगी, बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। टू व्हीलर पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट उतना ही अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश पुलिस इसके लिए अभियान चलाएगी और 50 दिनों तक लगातार चेकिंग अभियान चलेगा। पुलिस मुख्यालय को हर 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। तो सुरक्षा से समझौता तो दुर्घटनाओं को न्योता, समय की पुकार, बिन हेलमेट सब बेकार, क्योंकि जान बचाना बहुत जरूरी है। अब मान जाओ क्योंकि चालान कटेगा, नहीं माने तो। इसलिए अब अगर आप टू व्हीलर पर हैं तो हेलमेट बहुत जरूरी है, जान बचाना बहुत जरूरी है। नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा। एमपी पुलिस अभियान चलाएगी और इस अभियान में हर 15 दिन में रिपोर्ट भी सौंपनी होगी पुलिस को। 50 दिन तक लगातार यह अभियान चलेगा। पुलिस हेडक्वार्टर को हर 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी कि अब तक कितनी कार्रवाई हुई है। क्या ऐसे ही अमूमन बाइकों पर पीछे बैठने वाले लोग बिना बाइक के नजर हेलमेट के नजर आते हैं? ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो जांच के दायरे में होंगी। ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर यातायात को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रही है। 50 दिन का ये पूरा अभियान रहेगा और जो लोग बगैर हेलमेट के वाहन चलाते हैं या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते, ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती से निपटने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस करने जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर बात करते हैं जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश मिले, उसके बाद एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत या सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार मध्य प्रदेश में कई अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक भी किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी भी हेलमेट नहीं पहनते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब निर्देश दिए मध्य प्रदेश पुलिस को कि न केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति बल्कि जो पीछे बैठेगा उसको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही चार पहिया वाहन चलाने वालों को अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। ये पूरी रिपोर्ट जो है 15 दिन की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा फाइनल रिपोर्ट 15 जनवरी 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश की पुलिस रखने जा रही है। अब देखना होगा 50 दिन चलने वाले इस अभियान का मध्य प्रदेश के वाहन चालकों पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन महेश सेगर के साथ साइलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश पुलिस महकमे को दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने इलाकों में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए, लेकिन ग्वालियर पुलिस शायद इन निर्देश और आदेशों का कोई असर नहीं पड़ा है। ग्वालियर के किसी भी चौक चौराहों पर हेलमेट सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाना तो दूर, चौराहों पर ट्रैफिक सिपाही तक नजर नहीं आ रहे।
ये ग्वालियर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इसमें आप इन विजुअल्स के जरिए समझ सकते हैं कि अभी तक कितनी ही बाइकें सामने से निकल गईं और हेलमेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। सख्त निर्देश दिया है कि ट्रैफिक पुलिस को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सीट बेल्ट और हेलमेट सहित अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान और सख्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ये ग्वालियर का फूलबाग चौराहा आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बाइक सवार भी आ रहे हैं ज़्यादातर बिना हेलमेट के आ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो वाहन है उनमें भी सीट बेल्ट लगाते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये वाहनों की कतार लगातार इस बात का इशारा कर रही है कि ग्वालियर में लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर कितने उदासीन है, कितने लापरवाह है। यहाँ ज़्यादातर लोग बिना हेलमेट के आ रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के लगा के वाहन चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हाई कोर्ट ने सभी पुलिस अधीक्षकों को, कमिश्नरों को इस तरह के चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, उसके बावजूद लगता है ग्वालियर पुलिस को, ग्वालियर SP सहित ट्रैफिक पुलिस को हाई कोर्ट के आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि यहाँ ग्वालियर में किसी भी चौराहे पर सुबह 11 बजे के आसपास के वक्त तक किसी तरह की कोई चेकिंग नज़र नहीं आ रही है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस का जवान यहाँ ग्वालियर की किसी चौराहे पर नज़र आ रहा है। इससे समझा जा सकता है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्वालियर की पुलिस इन अभियान और सख्त निर्देशों का पालन कराने में कितने लापरवाह बने हुए। सुशील कौशिक, News 18 ग्वालियर। तो देखिए, जान बचाना बहुत जरूरी है। 50 दिनों तक लगातार यह अभियान चलाया जाएगा। हेलमेट और सीट बेल्ट दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मध्य प्रदेश के लिए सावधान करने वाली खबर, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ हैं और अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास, जागरूक करने का समय आ गया है अब लोगों को, क्योंकि हेलमेट और सीट बेल्ट दोनों जरूरी है। बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा कि ये समय जागरूक करने का है उन लोगों को जो लापरवाही से वाहन चलाते हैं। हम इस वक्त एक स्कूल में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं उनके हाथ में जो तख्तियां हैं वो ये बता रही हैं कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इन्होंने एक ह्यूमन चैन बनाकर जो लोग गुजर रहे थे रास्ते से उनको अवेयर करने का काम किया है। देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश हुए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस तो राजधानी भोपाल में सड़कों पर है ही है, लेकिन ये बच्चे भी ट्रैफिक पुलिस की मदद से अब सड़कों पर पहुंचे थे और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से नियम है जो आपको फॉलो करना है। खासकर सीट बेल्ट पहनना है, हेलमेट पहनना है और मोबाइल चलाते समय आपको फोन पर जो बात नहीं करनी है गाड़ी चलाते समय। इसके अलावा अन्य जो नियम है उसकी तख्तियां लेकर ये बच्चे आज भोपाल की सड़कों पर निकले थे और जो तमाम अधिकारी हैं वो बच्चों के साथ पहुंचे, अवेयरनेस को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके की अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक रूल्स को लेके जो दुर्घटनाएं हो रही हैं आप देख सकते हैं, बच्चे प्ले कार्ड रखे हुए, अब थोड़ा फोकस करेंगे। भारत में मृत्यु का आंकड़ा, मध्य प्रदेश में मृत्यु का आंकड़ा, और ये निरंतर बढ़ती ही जा रही है, कहीं हम प्रयास करने से थोड़ा इसको मिनिमाइज कर पा रहे हैं तो उन प्रयासों को हमारा उद्देश्य और बढ़ाएं और इस समस्या को थोड़ा कम से कम कर पाए तो हमारा हम सफल होंगे। क्या एक जागरूकता तो एक कारण है ही, जागरूकता तो कर ही रहे, क्या सख्ती बरतने की आवश्यकता भी रहती है? बिल्कुल, सभी तरह के प्रयास इसमें करने पड़ते हैं। कहीं कहीं कुछ जो आदतन जिसको वायलेंस करते हैं, रूल्स का उल्लंघन करते हैं नियमों का, तो उन पे जरूर चालानी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है, यातायात विभाग द्वारा की जाती है। और ट्रैफिक पुलिस जो है कार्रवाई करती करती है, बच्चे भी हैं, आप लोग भी आज गए थे, क्या संदेश दे रहे हैं सबको? हेलमेट पहनना जरूरी है और सीट बेल्ट भी लगाना जरूरी है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। आपका जीवन आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल, और भी बच्चे, आप लोग भी अभी ह्यूमन चैन बनाकर सड़कों पर निकले थे, क्या संदेश देना चाहते हैं जो नियम से गाड़ी नहीं चलाते? सबको अच्छे से एकदम, मतलब हेलमेट चलाना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए और मोबाइल वोबाइल नहीं चलाना चाहिए और हेलमेट वेलमेट पहन के रहना चाहिए। तो देखिए, जो तमाम जो बच्चे हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। शैलेंद्र, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगे, सुशील भी हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। सुशील, सवाल ये कि ट्रैफिक के नियम पहले से ही तय हैं
और इन नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना भी है। बावजूद इसके मामला कोर्ट में गया। कोर्ट की तरफ से 50 दिन के अभियान के तहत लोगों के अंदर जागरूकता के लिए अपील की गई है। अब मामला कोर्ट तक पहुंचने की सबसे बड़ी वजह के साथ साथ ये भी बताइए कि ग्वालियर में क्या इसका पालन हो रहा है। पूरा करने में लोग लापरवाह है, यही वजह है कि जब पुलिस प्रशासन ट्रैफिक पुलिस भी इसको कामयाब बनाने में सफल नहीं हुए तो फिर आखिरकार हाई कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी ने पूरे जो अंचल के एसपी है उनको पुलिस कमिश्नरों को आदेश दिया है कि जो ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए अभियान चलाया जाए। तो पूरे मध्य प्रदेश में कई इलाकों में तो ट्रैफिक के लिए अभियान चल रहा है, लेकिन ये देखिए ग्वालियर का फूलबाग चौराहा है। इस चौराहे की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग 90% से ज़्यादा लोग बिना हेलमेट के बिना सीट बेल्ट बांधे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए साफ तौर पर अपनी जान जोखिम में डालकर जो है सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं ये फूलबाग चौराहे पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश निर्देश दिया है और उसके बाद डीजीपी ने जो आदेश दिया है पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे को, शायद ग्वालियर का पुलिस महकमा अभी भी सोया हुआ है। दिन के 11 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन ये चौराहे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। हेलमेट नहीं लगाया है तो उनसे जरूर इस अभियान के बारे में पूछिए कि क्या उन्हें पता है। रेड लाइट है और आप वहां पर जाकर लोगों से बात कर भी सकते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये सिग्नल ग्रीन हो चुका है, जैसे ही सिग्नल रेड होता है तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये आप देख सकते चौराहा है, लगातार हेवी ट्रैफिक इस चौराहे पर है और आधे से ज्यादा तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया है सुशील। और देखिए इसी जब तरीके से लोग नजर आते हैं सड़कों पर, इसी गलती की वजह से न जाने कितने बड़े हादसे हो जाते हैं। मैं वापस से आपके पास आऊंगी। अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, हालांकि अजय नहीं जुड़े हैं, सुशील आप ही की तरफ। जरूरी है ना? हाँ सर, जरूरी है। तो हेलमेट तो बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए। जी सर, लगाना चाहिए। जी जी, तो कोई पालन कराने के लिए पुलिस से नहीं, 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 नहीं सर, मैं अभी यही से बिल्कुल अभी लगा लेता हूँ जाके। अच्छा, लगा ले। और भी बात करते सर, हेलमेट लगाना कितना जरूरी है लोगों के लिए? बहुत जरूरी है सर, उससे काफी सुविधा रहती है। आपको ग्वालियर में नजर आता है कि हेलमेट लगाते नजर आते हैं लोग, जान जोखिम में डालते हैं? नहीं, लगाते नहीं है साहब, वैसे लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। हाँ जी, तो पुलिस पुलिस दिख रही है आपको कहीं? नहीं, चलाते चक्कर साहब, पुलिस वाले का डर हो तो आदमी लगाए हेलमेट। हाँ, जब पुलिस वालों को डर नहीं तो काय को लगाएगा? ठीक है, कोई चोरा पुलिस नहीं रहती है। जनता है और जनता का ये कहना है कि पुलिस नजर आएगी, पुलिस का डर होगा तभी तो लोग हेलमेट लगाएंगे। और देखिए इसीलिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 50 दिन का समय है, इस अभियान को चलाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। अजय, आपके साथ अगर कोई है वहां पर मौजूद या आप लोगों से बात कर सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा। वहां पर कितनी जागरूकता नजर आ रही है आपको लोगों में? जी देखिए, पिछले महीने ही उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने इस अभियान को चलाया था और जो 300 से अधिक हेलमेट को वितरण किया गया था, उनका यही मकसद था कि जिस तरीके से जो लोग बिना हेलमेट के शहर में घूमते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं, तो हेलमेट पहनिए और अपनी जान को सुरक्षित रखिए, क्योंकि घर वाले भी आपका इंतजार करते हैं। इसी को लेकर इसी उद्देश्य से ये चालानी कार्रवाई भी की गई थी और यह एक दिन की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद कई लोग जागरूक भी हुए, पर यह कार्रवाई का असर 2-3 दिन ही देखने को मिला। इसके बाद अब इक्का दुक्का लोग ही जो हैं, आप देख सकते हैं, जो हेलमेट पहनकर इसका पालन कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं उज्जैन के टावर चौक पर खड़ा हूं, यहां पर जो कई लोग जो हैं बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे हैं, पर कुछ लोग जो हैं इक्का दुक्का लोग ही जो है हेलमेट पहनकर ही जो अपनी जो सफ़र को कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है कार पे चलने वाले जो लोग हैं उनको सीट बेल्ट पहनना भी अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग लापरवाही पूर्वक जो बाइक चलाते हैं और जो अपनी दूसरों की जान भी खतरे में डल जाती है, तो ऐसे में हेलमेट पहनकर अपनी भी जान सुरक्षित कर सकते हैं और दूसरों की जान भी सुरक्षित रह सकती है। ऐसे में इसका पालन करना अनिवार्य होगा। 50 दिन में या जैन पुलिस को यह पूरा अभियान चलाना है और इसकी एक रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट को सौंपना है। साथ ही इसके साथ
जो जिस तरीके से अब देखना ये होगा कि उज्जैन पुलिस इस पूरे अभियान को किस तरीके से लेती है और कितना चुनौतीपूर्ण होगा और कैसे उज्जैन की जनता को इसका पालन कराया जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से इसका प्रयास किया जा रहा है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य कराया जाए ताकि लोग जो है हेलमेट पहने और अपनी जान सुरक्षित करें। पर इस तरीके का जितने भी अभियान चलाए गए हैं उसको वो आज तक जो कारगर साबित नहीं हुए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आखिर पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है, क्योंकि सुरक्षा के इंतज़ाम तो तमाम जगहों पर किए जाते हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है, उन पर अमल नहीं किया जाता है। और इसलिए अब कोर्ट की तरफ से अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये कि 50 दिन तक लगातार उनको ये अभियान चलाना है, लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक करना है। बिना हेलमेट के आप देखिए युवा सबसे ज़्यादा एक एक बाइक पर, स्कूटी पर तीन तीन लोग सवार रहते हैं लेकिन हेलमेट का नामो निशान नहीं रहता। और ऐसे में जब जिंदगी को खतरे में रखकर लोग सड़कों पर चलते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। जबलपुर से पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जबलपुर में लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है और हेलमेट क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या ये लोगों को पता चला है अब तक? बिल्कुल अलसफा, अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में निरंतर हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के कार्रवाई होती है। ट्रैफिक रूल्स के लिए प्रयास किया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त हम शहर के मुख्य चौराहे तीन पत्ती चौक पर खड़े हैं, जहां अगर लोगों की आप स्थिति देखेंगे तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। कार चलाने वाले जो शिक्षित लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जिनके अंदर जागरूकता ज्यादा है, जो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन सीट बेल्ट लगाने में पता नहीं क्यों उन्हें गुरेज होता है। हमारे साथ में ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की चीजें सामने आती हैं। सर, किस तरह की बातें सामने आती हैं? हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश जारी किया है, क्या है वो आदेश और किस तरह से अब उसका पालन? ये हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि सीट बेल्ट और हेलमेट, टू पहिया वाहन जो है और चार पहिया वाहन सीट बेल्ट का पालन नहीं कर रहे उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई का विशेष अभियान चला रहे हैं। लगातार फील्ड पर रहते हैं, किस तरह की बातें सामने आती हैं जब लोगों को रोकते हैं हेलमेट के लिए, समझाते हैं, क्या क्या बातें करते हैं? वही कि जबलपुर में ये खराब आदत है कि दूसरे की देखा देखी, जो दूसरे भी पालन नहीं कर रहे, सीट बेल्ट है तो बोलते हैं ठीक है जबलपुर में अलाव नहीं है, ऐसा वैसा जो उन्हें पता नहीं होता है, बोलते हाईवे पर अलाव रहता है सीट बेल्ट। तो हम उन्हें समझाइश देते हैं कि जबलपुर में भी कहीं भी जाइए आप, वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट का प्रयोग और दो पहिया वाहन चला रहे तो हेलमेट का उपयोग करना अति आवश्यक है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं कि पुलिस वाले भी जो है वो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तस्वीरें अगर देखेंगे तो चाहे ऑटो चालक हो चाहे कार वाले हो, रूल्स को कोई भी फॉलो नहीं करता, ना सिर्फ हेलमेट, अपनी सबकी अपनी बातें हैं। पवन, बात तो सही है कि बात चाहे कोई भी हो लेकिन हेलमेट मस्ट है और इसके लिए कोर्ट ने जब ये कह दिया तो सबको मानना पड़ेगा, चाहे हाईवे हो या नॉर्मल आप कहीं पर भी जा रहे हैं, मस्ट है हेलमेट बहुत ज्यादा, और अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगे, आपके साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, बच्चों में ये जागरूकता है तो बड़ों में क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बच्चों में जागरूकता है लेकिन बड़ों में नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स हैं जो लगातार अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं। सर, बच्चे काफी जागरूक नजर आ रहे हैं लेकिन देखने में आता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो जागरूक नजर नहीं आते। आप लोग किस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर? हम लोग कुछ तो अवेयरनेस लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, कुछ हम लोग पत्राचार करते हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग मंत्रियों को हम लोग देते हैं ज्ञापन के तौर पर, बाकी हम लोग इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज काफी करते रहते हैं, साइक्लोथॉन हुआ, वॉकेथॉन हुआ, ह्यूमन चेन हुई, और इस तरह से लोगों को काफी दूसरा मीडिया के माध्यम से इन सब चीजों को एक्टिविटी को करते हुए, क्योंकि कम लोगों में तो ये चीज हो नहीं पाती पर मीडिया के माध्यम से चीजें पूरे उसमें फैल जाती है। तो देखिए, लगातार जो अवेयरनेस है वो चलाई जाती है, ट्रैफिक पुलिस के भी अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग, ये है कि जानते सब है लेकिन जागरूक नहीं है या जानबूझकर नहीं करना चाहते नियमों का पालन? देखिए सर, मैं इसमें ये कहूंगा कि लोगों के ऊपर जब तक खुद पे बीत नहीं जाती है तब तक वो बहुत हल्के में लेते हैं उस चीज को, जबकि इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। हम कोरोना जैसी बीमारी से नहीं बच सकते, वो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है,
और ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा फॉलो करके अगर हम जीवन बचा सकते हैं खुद का और दूसरों का भी तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ये उनको पालन करना चाहिए, इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। ये थोड़ा सा शैलेंद्र 100 बात की एक बात कहते हुए पुलिस अधिकारी नजर आए कि कोरोना जैसी महामारी को हम नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ सावधानी बरत सकते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं तो अपनी जान क्यों ना बचाई जाए, हर कोई मिलकर यही संकल्प ले आज से ही कि हेलमेट बहुत ज्यादा जरूरी है और हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।